बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर सामने आया है कि कांग्रेस टिकट को बेचती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा आरोप, कांग्रेस 20% टिकट बेच देती है, बेचे टिकट के पैसे से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है कांग्रेस। कांग्रेस में टिकट बेचने का सिस्टम है, अगर कांग्रेस 100 टिकट देती है तो 20 टिकट कांग्रेस बेचती है। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है, तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। लगता है कि ये सारे डिस्प्यूट जो है वो एक्चुअल रीजन है सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो बताया जा रहा है प्लॉट, वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा आपको कुछ नॉलेज दे नहीं पाऊंगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का एक बड़ा दावा है। उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्टर बनाया गया है, मुंबई पुलिस को सब कुछ बता दिया है, कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे, वो हम लोगों को खत्म करना चाहते थे। जिशान सिद्दीकी कहते हैं कि वो यानी कि कुछ लोग उनसे खुश नहीं थे, उनको खत्म करने का प्लान किया गया। रिपब्लिक भारत ने जिशान सिद्दीकी से बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा खुलासा जिशान सिद्दीकी की तरफ से हुआ है, मर्डर से पहले ही लॉरेंस का नैरेटिव बनाया गया, मुंबई पुलिस को सब कुछ बता दिया है। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं जिशान सिद्दीकी। Last team investigation revealed that those shooters were carrying your photo as well and your father's photo as well. Were you also the target? I don't know. I think you'll have to ask the shooters that. I don't know if I was the target or not, but I was with my father a couple of minutes before the incident. And if I was the target, which could be the case because it was happened right outside my office. Did you also receive any threat calls? No, we both did not receive any threat calls. Whom did your father meet in the last 3 to 4 days? I don't know. We work 24 hours, so we don't know who meets who. But we would just be. Were there any political meetings? Were there any builders meetings? No. There's no builders meetings as such. I told you, we just go on ground, fight for the people. We have many meetings in the SRA. Someone come to your house? Has come to my house as well. Anyone come in connection to that? They have come over here and give some threats, something like that. No, not that I know of. No. What your father share any kind of thought process that he's receiving some kind of threat personally, or because you are his son, right? You are his closest confidant. There was no threat whatsoever. What actually led to that? I don't know. That's what Mumbai police has to find out, and I'm sure justice will prevail. Do you think that the Salman Khan Lawrence Bisnoi angle took the lives of your father, because his relationship with Salman Khan was very known to everyone? There was a narrative which was played before even Dad reached the hospital, and which is surprising to many, but I feel like justice will prevail. The investigation is going on. This is something which was done in a very cruel way, an inhumane way. और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अकील भी जुड़े हुए हैं। जतिन, आपके पास आते हुए, जतिन, किस तरीके से बड़ा खुलासा जिशान सिद्दीकी की तरफ से किया गया है, एक नैरेटिव की बात भी वो यहां पर कह रहे थे। आज बिल्कुल दो बड़ी बातें जिशान सिद्दीकी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बोली। एक तो ये कि उनको और उनके पिता यानी कि बाबा सिद्दीकी को हाल फिलहाल में कोई थ्रेट नहीं मिला, और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि जब गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी समय सलमान खान जो एंगल है, जिसको नैरेटिव बोल रहे हैं, वो फ्लोट होने लगा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद अगले 3 या 4 दिन की आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच सलमान खान के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही थी। तो बड़ी बातें जिशान सिद्दीकी ने बोली, उन्होंने बताया कि वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, मिल रहे थे, कौन इसके पीछे मेन कॉन्स्पिरेटर है उसको लेकर उन्हें भरोसा है कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्दी चीजें निकलकर सामने आएंगी। आपको ये भी बता दें कि कल 2.5 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने जिशान सिद्दीकी के घर में जाकर उनके स्टेटमेंट जो है वो लिए गए, लेकिन लगातार जो लोग ये बात कर रहे थे कि सलमान खान की वजह से, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी थे, इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई क्योंकि सलमान खान
के करीबी थे, उसको जिशान सिद्दीकी ने एक तरीके से डिनाई कर दिया बिना कुछ ये बोले। उन्होंने इतना बिल्कुल कह दिया कि अस्पताल जब वो ले जा रहे थे उसी समय से जो सलमान खान का पूरा नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं लोगों ने बातों में लाना शुरू कर दिया और इन्वेस्टिगेशन भी उसी के इर्द गिर्द जाने लगी। हालांकि अब चुनाव भी है, वो तमाम जनता के बीच में पहुंचेंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के थे तो तीसरा मास्टरमाइंड कौन है, किसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए का जतिन लगातार अब हम ऐसा बने रही। लेकिन वही अखिल के पास चलते हैं। अखिल, आपने जिशान सिद्दीकी से बातचीत की है जिसमें उनका कहना है कि जस्टिस विल प्रिवेल, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, फेयर इनफ, ये है कि जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लॉरेंस का नैरेटिव जो है वो बनाया गया, मुंबई पुलिस को सब कुछ बता दिया है? क्या बताया, इस स्टेटमेंट से क्या समझा जाए? बिल्कुल, अगर आप इस केस के अंदर देखें तो जिशान से जब हमने ये डायरेक्ट सवाल किया कि जो फादर हैं उनके, बाबा सिद्दीकी, वो लगातार जो है उस जो एरिया है इसका बांद्रे ईस्ट का जो एरिया है जहां से जिशान सिद्दीकी एमएलए आते हैं वहां पर लगातार जिशान और उनके फादर जो है जुलाई और अगस्त के महीने में देखा जाए तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट के खिलाफ जिशान पर जो है FIR भी दर्ज होती है। इसके बाद जब हमने जिशान से सवाल किया कि हमने वैलर एस्टेट जो कंपनी सारे प्रोजेक्ट को वहाँ पर हैंडल कर रही है संध्यानेश्वर नगर के अंदर, उनसे हमने जब बात की, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जिशान सिद्दीकी या बाबा सिद्दीकी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब हमने जिशान से सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन किया जिशान से कि क्या आपकी कोई मीटिंग हुई थी, जिशान ने उस फैक्ट को डिनाई कर दिया कि नहीं उनकी। बिल्कुल बड़ी बात आप यहां पर अखिल कह रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें, देखिए क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस गैग का हाथ नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने खुलासा किया है, वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस का हाथ नहीं? मामले में आया नया ट्विस्ट, निशान सिद्दीकी का बड़ा दावा। 13 दिन 14 गिरफ्तारी, पुलिस के हाथ अभी भी खाली। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, अभी तक इसका मकसद पता नहीं चल पाया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें सुपारी लेकर हत्या, कारोबारी प्रतिद्वंदिता या मुंबई में झुकी पुनर्वास परियोजना को लेकर उन्हें मिली धमकियों से जुड़े पहलू शामिल हैं। मुख्य शूटर और 2 साजिशकर्ता फरार हैं। इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। जिशान सिद्दीकी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके पिता की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ होने का नैरेटिव गढ़ा गया, जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आ पाएगी। There was a narrative which was played before even Dad reached the hospital, and which is surprising to many. But I feel like justice will prevail. The investigation is going on. This is something which was done in a very cruel way, an inhumane way. Nishant Siddiqui ne bayan dekar isharon mein bata diya ki Baba Siddiqui ki hatya SRA project ke karan hui hai. Pichle dinon unke social media par kai post bhi is taraf ishara kar rahe hain. वही इस मर्डर केस में लॉरेंस का हाथ होने को लेकर पुलिस के हाथ भी खाली है। इस बड़े खुलासे के बाद महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है।